संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद के खजनी विधानसभा का चुनाव संचालन गोरखपुर से किया जाता है। ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग पार्टियां भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से रवाना होती हैं और चुनाव कराने के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम रख दिया जाता है। इसकी मतगणना भी यहीं पर किया जाता है। इसके बाद परिणाम संत कबीर नगर भेज दिया जाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल में इन दिनों खजनी विधानसभा में जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्टिविटी किया जा रहा है। प्रत्याशियों के नामों और चुनाव चिन्ह को सेट किया जा रहा है। वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को के लिए पेपर रोल लगाए जा रहे हैं। इस दौरान वहाँ चल रहे कार्यों का एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने जायजा लिया और कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बताया। खजनी विधानसभा जो कि लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर में उसका हिस्सा है, उस लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा खजनी में ईवीएम मशीनों की तैयारी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उसी का निरीक्षण करने मैं आया था। तैयारी ठीक ढंग से चल रही है। 12 तारीख को खजनी विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का
तो उसी दिन इसका पोलिंग होगी। पार्टियां 11 तारीख को सुबह से रवाना होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सारी तैयारी यहीं से, पोलिंग पार्टियां भी जाएंगी और यहीं वापस लौट के बैडमिंटन हॉल यूनिवर्सिटी में मशीन्स जमा भी होंगी, काउंटिंग भी यहीं होगी, उसका रिजल्ट वहाँ चला जाएगा।